हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज बकरीद है यहाँ पे, तो नमाज के लिए जा रहे। अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी 4:30 बज रहा है सुबह सुबह। यार आँख नहीं खुल रहा था। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ में हमारे इंजीनियर साहब भी है, इलेक्ट्रिकल के सुपरवाइजर एहसानुल्लाह साहब। बोलिए, क्या बोलेंगे जी? अस्सलाम वालेकुम हमारी तरफ से सब बहन भाइयों को, सब ओवरसीज और अपने मुल्क की कंट्री के जितने भी हमारे और मुस्लिम नॉन मुस्लिम सबको अस्सलाम वालेकुम। अभी थोड़ी देर हो रही है, हमें निकलना चाहिए। ईद मुबारक। ईद मुबारक। वाजिद भाई का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद जाऊंगा, फिर बाहर जा करके कुछ फ्रेंड से मिलता हूँ, वो लोग का भी वीडियो वगैरह बनाता हूँ। नईम भाई के रूम में तो ये लोग अभी ना आए, कोई नमाज पढ़ रहा हूँ। हाँ, चल रहे, चलो रेडी हो जाओ, चलना है फिर। हाँ जल्दी। यार मैं सोच रहा था कि मैं लेट हो रहा हूँ, लेकिन मैं लेट नहीं हुआ। अभी सब एक एक करके निकल रहे, दोस्त हमारे और निकल रहे मॉर्निंग। कहाँ से आप, ये भी बता दो यार, घर के लोग बहुत है जाने पे। भाई साहब मैं यूपी से हूँ, जिला मुरादाबाद से। चलो भाई यूपी से है, लाइक करो, फॉलो करो और चैनल सब्सक्राइब भी करो। चलो शुक्रिया। तो बाकी लोगों से भी मिलाता हूँ। मोबिन जा रहा हो क्या? चलो ठीक है, मैं जाता हूँ। फिरोज भाई बोलो, आप भी कुछ बोलोगे? आप कहाँ से हो बोलो? मैं लखनऊ। भाई ये लखनऊ से है हमारे फिरोज भाई। इससे पहले मैंने एक ब्लॉग बनाया था, उसमें हमारे ड्यूटी ब्लॉग, उसमें इनको लिया था। आप लोगों को याद होगा इनका चेहरा। बाकी दोस्तों से भी मिलाता हूँ, देख रहा हूँ लोग क्या कर रहे हैं। यार ये लोग का रूम ही तो कोई उठा ही नहीं लग रहा, नमाज के लिए नहीं जाएगा लोग। यार अच्छा हुआ हम ये लोग का रूम में आ गए, ये लोग कोई उठा ही नहीं है सो के बेचारा। तो अभी आया मैं, बोला टाइम नहीं है जल्दी उठो। ये लोग का रूम भी देखो कैसा, गड़ी कपड़ा डाल के रख दिया है। चलो वाजिद भाई अलग ही टेंशन में, चाबी भुला गया उनका जी, याद भी निकला। क्या करना है यार, चाबी भुला गया। आज बकरीद के दिन में वाहिद भाई एक अलग टेंशन ले लिए। वो जा रहे रूम में फिर से चेक करने के लिए चाबी है कि नहीं। निकलिए निकलिए जल्दी, मैं इधर वेट कर रहा हूँ। यार भाई सुबह से वो परेशान हो गया, बोलता अली भाई कहाँ है, सरफराज भाई हमारे चले गए छुट्टी, उनका नेट नहीं चल रहा ना। कहाँ घर का? नहीं नहीं इंडिया पे बात करते ना, वो मैं समझ रहा हूँ। नमाज पढ़ के आके देखेंगे क्या होगा। ठीक है, घर का बांग्लादेश बांग्लादेश बोल बोल बांग्लादेश बोल बोल सोचते हैं कि बोल बोल। अस्सलाम वालेकुम। आज 2022 जुम्मा का दिन, शनिवार का दिन, 10 तारीख। आज सुबह की ईद मुबारक हमारे पक्ष से। आज देश तो प्रोग्रेस जरा से चलो भाई, भाई ने अपने लैंग्वेज में ईद मुबारक बोला, ये बांग्लादेश से। चलो ठीक है। अरे नईम भाई भी आ गए हमारे, नईम भाई से भी मिलाता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। क्या रहे नईम भाई, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे बोलो? सब भाइयों को ईद मुबारक को हमारी तरफ तहे दिल से, थोड़ा जोर से बोलो। सब लोग खुश रहें, आपस में मोहब्बत बांटें, नफरतों को ख़त्म करें। कहाँ से आप भी बता दीजिए? मैं यूपी शाहजहाँपुर से। बोलिए भाई, उधर से कोई है तो कमेंट करें, और जो उधर से हो भाई कमेंट करें, ब्लॉग अच्छा लगे लाइक करें। चलिए ठीक है, शुक्रिया। तो चलो टाइम ज़्यादा नहीं है, निकल रहे भाई हम लोग नमाज के लिए, फिर बाद में लेट हो जाएगा यार। 5 बजे जमात है, 50 हो गया ऑलरेडी, 4:50, ज़्यादा टाइम है नहीं। ओ यार बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी आज। ये देखो मेरे भाई जो सऊदी में नहीं है उनको लगेगा कि बारिश हुआ होगा इधर। ये बारिश का पानी नहीं है, एसी का पानी है, ये ह्यूमिडिटी है। इधर गर्मी इतना भयानक रहता है ना कि मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा निकलता है एसी से। ये हमारी कंपनी का बस वगैरह लगा हुआ है, तो मस्जिद ज़्यादा डिस्टेंस में है नहीं, हमारा सामने में है। ये मेरे दोस्त लोग जा रहे आगे आगे, मैं ब्लॉग बनाने के चक्कर में पीछे रह गया। ये पूरा सन्नाटा है इधर। चल जा रहे रुबेन? वालेकुम सलाम। कुछ बोलोगे तो लोग कैमरा में नहीं बोलोगे? चलो ईद मुबारक। चलो सब दोस्त लोग जा रहा, मेरा मेरे को भी जाना पड़ेगा।
बाहर निकल गए मस्जिद, ज़्यादा दूर नहीं है भाई, यहाँ से 2-3 मिनट का रास्ता है। कदीम मेरा एक दोस्त आया नहीं, उसी का वेट कर रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, मेरे दोस्त लोग यहाँ के लोकल जो लोग होते हैं सऊदी, वो लोग भी जा रहे हैं नमाज के लिए। तो हसन क्या हाल, आ रहे कदीम का वेट कर रहे हैं, कदीम का वेट कर रहे। तो यार फाइनली वो बंदा आ गया है जिसका मैं वेट कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को मेरी तरफ से, दीवार तहे दिल से। कहाँ से? बुलंदशहर, जिला अलीगढ़। भाई बुलंदशहर जिला अलीगढ़ से, यूपी से? नहीं यार, कहाँ? जिला बुलंदशहर, जिला एंड अलीगढ़। अच्छा, दोनों है ना। तो इन्हीं का मैं वेट कर रहा था एक्चुअली। आप लोगों ने देखा वाजिद भाई, फिरोज भाई को मैं छोड़ दिया, मैं बोला इनको भी साथ में ले लेता हूँ। तो जा रहा अभी हम लोग मस्जिद, ज़्यादा डिस्टेंस में है नहीं, उसके बाद आगे भी थोड़ा शूट करने का कोशिश करता हूँ। चलो मैं अब मस्जिद जाता हूँ अंदर, यहाँ के लोगों का ड्रेस इस तरह से रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज ख़त्म हो गई है, नमाज हो गई है ईद की। अब चलते हैं दोस्तों से गले मिलते हैं। गेट के नीचे। चलो अस्सलाम वालेकुम, मैं भी मिलूँ भैया। चलो फिर है ना। चलो भाई फाइनली नमाज हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज तक इतना ही, अभी रूम में जाके मिलाता हूँ लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। आने का तो मैंने दिखाया नज़ारा आप लोगों को, अभी जाने का भी दिखा दे रहा हूँ। सब लोग अपने अपने रूम में जा रहे हैं। हेलो नमस्ते, पूरा मिले थे। हाँ हेलो, मुझे सनोर भाई के साथ एक सेल्फी चाहिए। सलाम वालेकुम सबका, ईद मुबारक। तो भाई ईद की खुशी इतने ही रहती है गल्फ में, जो लोग हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब रूम में जाके हम लोग को करना है क्या, बस सोना है। सलाम वालेकुम बिनी भाई, कमुनासो मालूम बंगाली कलाम तगालुक, माफी कलाम तगालुक मालूम नहीं है। तो ये दो फिलिपिनी बंदे मिल गए मुझे, मैंने इनका भी मोमेंट को कैप्चर किया। तो ये हमारा बिल्डिंग है एकोमोडेशन। ईद मुबारक। ईद मुबारक सभी भाइयों। चलो गर्मी बहुत है, जाता हूँ रूम तरफ, देखता हूँ दोस्त लोग और जिनसे गला मिलना बाकी है उनसे भी मिल लेता हूँ, उसके बाद सोना। यार नींद आ रहा बहुत। भाई लोग लिफ्ट का वेट कर रहे हैं क्या आप लोग? मेरी तरफ से और शानूर भाई की तरफ से। चलो भाई ईद मुबारक, चलिए बाद में मिलते जाओ। तो भाई आ गया रूम में, कोई नहीं है, मैं और वाजिद भाई हूँ, बाकी सरफराज भाई वसीम भाई लोग तो छुट्टी चले गए, संदीप मंजीत ड्यूटी में, और बचे कुछ एक दो बंदे दूसरा मस्जिद में गए नमाज पढ़ने के लिए। तो गल्फ का ईद इतना ही है बस,
उठो, नमाज पढ़ो, उसके बाद रूम में आओ, खाओ पियो, नाश्ता करो, सो जाओ। ये अगर अपना घर में रहते तो अभी थोड़ा बहुत घूमने जाते थे, दोस्त लोग आता, तो ये सब चीज़ जो है ना बहुत अखरता है यहाँ पे रह के। बाकी ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, नहीं तो इमोशनल हो जाऊँगा, आप लोग भी इमोशनल हो जाओगे। तो ये जियाद बाबू, बोलो जियाद क्या बोलो। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक नहीं बोलो। ईद मुबारक सब लोग। ये बंदा सेल्फी के लिए परेशान है, देख रहा क्या कर रहा है, बोलता है मेरा एक सेल्फी फोटो उठा दो। तो नया ड्रेस पहन के सिर्फ सेल्फी होता है यहाँ पे, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो ये नाश्ता, उसके बाद सो जाएंगे। वाजिद भाई बेचारे अभी ड्यूटी जाएंगे यार, देखो बकरीद के दिन भी ड्यूटी। तो भाई आज ईद है, संदीप मंजीत पाजी आ गए। देखो संदीप बेचारा आटा सार रहा है यार ईद के दिन, अभी अपना घर में रहते तो कोई ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती। क्या करें यार, यही लाइफ है हमारी गल्फ की। भाई ईद का ड्रेस भी उतार दिया, अभी सो रहा हूँ क्योंकि नींद आ रही है। बाकी ब्लॉग उठ के बनाता हूँ थोड़ा बहुत। तो सो के उठ गया, शमशाद बिरयानी बनाया था, बिरयानी खाए, बाहर गर्मी बहुत है, अभी घूमने भी नहीं जा सकते, अभी फिर से सो जाता हूँ। ईद लगभग ख़त्म हो गई हमारी, इतनी ईद है गल्फ की। उम्मीद करूँगा ब्लॉग अच्छा लगा होगा आप लोग को।